तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो बेसिकली आज हम पहुँचे थे स्काईगार्ड, जैसा भी हमने पहले बताया था। तो अब हमारे साथ हैं भैया नितिन, जिनसे हमारी काफ़ी पुरानी जान पहचान है, और आज हम इनसे अपनी कार का ऑडियो सेटअप जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम एक बार चलते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, वो सब बताएंगे हमारे भैया। क्या ले भैया? बहुत बहुत सर थैंक यू आपका एक बार फिर से आने के लिए। आज आपकी गाड़ी के अंदर हम ऑडियो का बहुत बढ़िया अपग्रेड करने जा रहे हैं, और जिसमें हमने ब्रांड जो चुना है वह ऑडिसन चुना है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने ऑडिसन क्यों लिया है। इटालियन ब्रांड है, जबकि आप देख सकते हो हमारे स्टोर के अंदर कोई ऐसा ब्रांड नहीं है। डीडी ऑडियो है, स्टैग है, एवाटार तो हमारा सबसे रेगुलर है, फोकल है, पावर बास है, मतलब सारे रॉकफोर्ड है, सब आपको ब्रांड्स, जितने भी हर्ट्स है, मतलब ये जितने भी ब्रांड्स आप देख रहे हो यहाँ पे सारे हाई एंड ऑडियो के अंदर आते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू ऑल दीज ब्रांड्स, कोई भी ऑडियो का जो ब्रांड है वो बेकार नहीं होता। सबकी अपनी अपनी एक अलग खासियत होती है। ऑडिसन को हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि जो इसकी क्रिस्पनेस और जो क्वालिटी और जो इसके वोकल नोट्स ये जो फाइनल डिलीवर करता है, हाई वॉल्यूम के ऊपर भी अनबीटेबल है। एपी के 165 वॉट का हम इसके अंदर ऑडियो कंपोनेंट्स लगा रहे हैं, जिसकी 100 वॉट की कॉन्टीन्यूस पावर है। 100 वॉट आरएमएस के ये कंपोनेंट हैं। क्रॉसओवर आपको इसके साथ मिल जाते हैं, दो ट्वीटर्स मिल जाते हैं, और इसका जो कंपोनेंट है इसके अंदर आपको मिड क्वालिटी मिलती है, जैसे आपको एक मिड रेंजर की जो क्रिस्पनेस होती है कंपोनेंट में, और मिड रेंजर में भी एक थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जो मिड रेंजर होती है उसकी जो क्रिस्पनेस होती है, जो उसकी जो पावर हैंडलिंग होती है, वो कंपोनेंट से थोड़ी सी अपग्रेडेड होती है, तो वो चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगी। जब आप अच्छा कंपोनेंट लगा रहे हैं, 100 वाट का आरएमएस इसको इसमें आपको मिलता है, तो आपको एक बहुत बढ़िया एम्पलीफायर लेने की ज़रूरत है। पहले हमने इसको चलाया था पाइनियर के साथ में, अच्छी आउटपुट आ रही थी, बट आज एम्पलीफायर भी साथ में हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं। 4.3 85x4 चार चैनल का एम्पलीफायर है, जो कि बहुत ज़बरदस्त इसके साथ में कंबाइन होकर मैक्सिमम बढ़िया आपको परफॉर्मेंस देगा। तो जब आप खाली कंपोनेंट आपने अच्छे ले लिए, एम्पलीफायर आपने किसी और ब्रांड का ले लिया, नहीं, अगर आप अच्छा आउटपुट चाहते हो, बेस्ट क्वालिटी चाहते हो, फाइनल जो आपको आउटपुट निकल गया है वो बढ़िया है, तो सेम ही आपको एम्पलीफायर लेना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, बट जब आप क्वालिटी जब आपको बेस्ट चाहिए तो फिर आपको चीज़ भी बेस्ट लेनी पड़ेगी। तो बहुत ज़बरदस्त एम्पलीफायर है, टोटल इटालियन सेटअप है ये आपका, और साथ में थोड़ी सी आउटपुट को और अपग्रेड करने के लिए, थोड़ा एक लाइट बास करने के लिए, बूट स्पेस को बिना कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हम इसके अंदर एक अंडर सीट भी डाल रहे हैं ब्लॉपंग का। ये भी जर्मन ब्रांड है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है और काफ़ी अच्छा आउटपुट आया था। एक आपको जिसको कहते हैं एक मीडियम सा थंप, एक लाइट सी क्वालिटी आपको, बहुत बहुत ज़्यादा हाई पावर का बास नहीं, मतलब एक सुनने में जैसे आप सुनते हो, आप बीएम या ऑडी में या किसी भी आप हाई एंड गाड़ी में बैठते हो तो उसमें क्या आपको एक मीडियम सा ऑडियो मिलता है, मीडियम सा बास मिलता है, वही चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगी, और इसमें आपको कोई स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सो बेसिकली सबसे बड़ा जो मेरा रिक्वायरमेंट था वो बूट को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना मतलब म्यूज़िक का आउटपुट चाहिए, तो भैया ने यही सजेस्ट किया कि आप अपना जो एग्जिस्टिंग बेस ट्यूब है उसको हटा दिया जाए, एंड देन ये बहुत बढ़िया सा आपको एक अंडर सीट मिल जाता है। अब क्योंकि देखो बाहर जनता को नहीं सुनाना, हमें खुद सुनना है, राइट? उसी के लिए हम जो बेसिकली जो म्यूज़िक लवर है इसीलिए अपनी गाड़ी में ऑडियो सिस्टम अपग्रेड कराते हैं, जिनको अच्छा म्यूज़िक सुनना है, ना कि जनता को सुनाना है। तो वही मेरी रिक्वायरमेंट थी, भैया ने ये काफ़ी अच्छा सजेस्ट किया, बाकी अब लगता है परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे। और साथ में जो हम इसमें जैसे आपका कंपनी फिटेड जो स्टीरियो लगा हुआ था उसके अंदर भी हम अपग्रेड कर रहे हैं, इसमें एंड्रॉयड ले रहे हैं मैट्रिक्स कंपनी का, जिसमें आपको 32 की रैम मिल जाती है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों ही वायरलेस, ये एक बहुत बड़ी बात है। एप्पल तो वायरलेस बहुत टाइम से चल रहा है, बट एंड्रॉयड ऑटो भी वायरलेस मिलेगा आपको इसके अंदर। आपको इसमें 4.64 की ऑप्शन भी मिल जाएगी, बट ये इतना स्मूथ है 2.32 भी कि आपको 4.64 की ज़रूरत ही नहीं है। DSBS में डिजिटल साउंड प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर है और एंड्रॉयड वर्जन 10 है, तो ये भी सबसे एडवांस वाला लिया है। इस पूरे सेटअप के साथ में इसका भी जो आउटपुट है, क्योंकि मेन जो हेड यूनिट है अगर वो भी अच्छा नहीं होगा तो आउटपुट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, तो पूरे सेटअप की एक एक चीज़ को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है।
तो ये भी इसके साथ में हमने जो लिया वो बेस्ट लिया है। बहुत बढ़िया भैया। अब इसके बाद और क्या कर रहे हैं आज हम? इसके अंदर एक हम आपको LED का अपग्रेड दे रहे हैं, जो आपका लो बीम है जिसके अंदर प्रोजेक्टर होता है, उसमें हम 130 वॉट की LED ले रहे हैं, जिसमें आप ये देख सकते हो साथ में एक कैनवस भी है। एक्स बीम कंपनी के लिए हमने सारा प्रोडक्ट जितना भी आपने देखा है ये 1 ईयर वारंटी के साथ में है, और वारंटी एक साल की होने से कोई मतलब नहीं होता, ये लाइफ टाइम चलने वाले प्रोडक्ट है। तो ये लो बीम में, क्योंकि आप सबको पता है टाटा के लो बीम के अंदर तो बिल्कुल कुछ दिखता ही नहीं है, और हाई बीम के अंदर हमने इसमें ली है 90 वॉट की LED, क्योंकि हाई बीम में इतनी पावर डालने की ज़रूरत नहीं है ताकि आगे सामने चलने वाली गाड़ी वाले को भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारा लाइटिंग का सेटअप है लो बीम और हाई बीम का, इसकी भी आपको 1 ईयर की वारंटी और टोटली प्लग एंड प्ले है। और इसमें ये भी आपको मैं साथ में बता दूं कि कोई आपकी डस्ट कैप को हम काटेंगे नहीं, किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लग एंड प्ले करेंगे इसके अंदर। तो ये लाइटिंग का सेटअप भी जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा आपकी गाड़ी के लिए। चलो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना प्रोडक्ट जो है इतना इंस्टॉल कराते हैं, एंड देन जो आपको डिटेल जो इसका परफॉर्मेंस है वो आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग जो कि काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है वहाँ पर इसको टेस्ट करेंगे प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल टेस्ट करके, क्योंकि वहाँ पर लाइट का और वो सब चीज़ें होने का कोई मतलब ही नहीं है, एंड देन वहाँ पर देखेंगे कि गाड़ी की जो लाइट्स है, हेडलाइट्स है, वो कैसा परफॉर्म करती है। ओब्वियसली म्यूज़िक कम सुनते हुए जाएंगे, क्योंकि जो लंबे जो आपके जो ट्रिप्स होते हैं वहाँ पर म्यूज़िक ही है एक ऐसी चीज़ है जो आपको इंगेज रहता है। अदरवाइज़ मतलब नींद आना और वो बोरियत होना, जब तक आपको एक अच्छा म्यूज़िक नहीं होगा ना, आप अपने ट्रिप को इन्जॉय नहीं कर पाओगे। तो करवाते हैं इंस्टॉलेशन, एंड देन जो डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिव्यू है वो आपको बाहर जाकर ही दिखाएंगे। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एडवाइस एंड ऑल द वर्क दैट यू आर प्रोवाइडिंग मी, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम विजिटिंग दिस स्टोर। मैं अप्रॉक्सीमेट 2011 से इनसे जुड़ा हूँ, जितनी मेरी गाड़ियाँ का जो काम होता था, इससे पहले मेरे पास 3 गाड़ियाँ और हो चुकी हैं यहाँ से, और यह कि टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रहती है, नए प्रोडक्ट आते रहते हैं। तो भैया के साथ एक रिलेशन ऐसा बन गया है कि आफ्टर सेल्स में भी कभी कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई है। देखो सारे जो पार्ट्स है, मशीनरी है, प्लस माइनस हर एक के साथ होता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि जब आप करोलबाग या किसी और जगह से कराते हो तो आपको पहचानने से मना कर दिया जाता है, जो मेरे साथ मैंने एक्सपीरियंस किया पहले। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं भैया के पास आया हूँ अपनी किसी प्रॉब्लम को लेकर के भैया ने अटेंड नहीं किया। हाँ, जिस हिसाब से इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जिस हिसाब से इनकी डिमांड है, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम का ऊपर नीचे हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे। सर्विस ज़रूर मिलेगी, फॉलोअप भी ज़रूर मिलेगा आपको। नहीं बिल्कुल भैया, उस चीज़ में तो कोई शिकायत ही नहीं रही आज तक। जी जी, चलो भैया फटाफट से इंस्टॉल कराते हैं अब, क्योंकि मेरे को आगे की भी तैयारियाँ करनी है जी, एंड देन चलते हैं फिर। तो बेसिकली ये होता है करोलबाग से काम कराने में, आपको बोला जाता है कि आपकी कोई वायर कटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कपलर फिटिंग होगी, लेकिन ये आपको तब पता चलता है जब आप उस चीज़ को दोबारा से खुलवाते हो या किसी और टेक्नीशियन के पास लेकर के जाते हो। ये देखिए, ये मेरी पुरानी वाली जो मॉडिफिकेशन है ये उसका है, सारी वो कपलर उसने काट रखे हैं भाई ने। अब बताओ क्या किया जाए, इसलिए करोलबाग पर उतना ट्रस्ट नहीं बनता है। मतलब उनको कस्टमर चाहिए, पैसा चाहिए, और देन उसके बाद वो आपको पहचानने से ही मना कर देते हैं। और ये मौसम हो गया ख़राब, बारिश शुरू हो चुकी है, और टाइम हुआ है 9:23, लेकिन आप ये देखिए नितिन भैया और इनकी टीम पूरे डेडिकेशन के साथ इसको कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। 4-5 लोग अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे हैं, सो दैट की चीज़ें फटाफट से कंप्लीट हो जाए। ये भाई अपना लाइटिंग का सेटअप देख रहे हैं, ये भाई साहब हमारे ऑडियो सेटअप को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, और वो भाई साहब हमारे बूफर सेट कर रहे हैं। ये अपना डैम्पिंग कंप्लीट है, पल्सलेट लग गई है, RGB लाइट लग गई है, ये कुकर लगा हुआ भाई। तो ऑल इन ऑल अच्छा है, और क्या ट्राइंग की टाइम रहते हो, टाइम से पहले ख़त्म हो जाए, जैसे कितने बजे फ्री होते हैं। तो अब देखते हैं
बाकी अब हम बात कर रहे थे, मैं एक चीज़ और इसमें डालूंगा, जो मेरा प्रीवियस वाला जो ब्लॉग था, अगर आपने देखा होगा, अपनी लाइट की परफॉर्मेंस का, जो हमने कमेंट किया था कि हम इसको पहाड़ों पर एकदम डार्क के अंदर टेस्ट करके बताएंगे। तो अभी मैं आपको बताऊं, तो ये है मेरे फोग लैंप ओजूम के, जो मैंने डलवाए थे ऑटो म्यूज़िक एम्पोरियम से। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ फोग लैंप की लाइट से मैं अपनी ड्राइव कर सकता हूँ, देयर इज़ इनफ लाइट, ठीक है। और ये मेरा है लो बीम, और लो बीम के साथ अगर मैं अपना ये फोग लैंप बंद कर देता हूँ तो रोशनी कुछ ऐसी है, जो कि थोड़ा सा सो टाइप है। और इसमें जो हमने डलवाए थे बल्ब, वो एक्सर कंपनी के डलवाए थे 130 वॉट, लेकिन अजूम के सामने फेल है भाई, अजूम के सामने फेल है। और अभी तीसरी लाइट मैं आपको दिखाता हूँ, अपना हाई बीम। एक बार ये ट्रक थोड़ा सा पास हो जाए उसके बाद दिखाते हैं, अब क्योंकि मेरे फोग लैम्प में भी लो बीम और हाई बीम का ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी मेरा फोग लैम्प ऑन है, मेरे लो बीम ऑन है, अब दिखाता हूँ मैं आपको हाई बीम। देखो हाई बीम भाई साहब ऑसम यार, मज़ा आ गया, दूर दूर तक ऐसी रोशनी हो गई है कि जैसे मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। हालांकि टाटा का ये हेडलाइट का जो प्रॉब्लम है, ये इसकी हर गाड़ियों के अंदर है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने अपग्रेड किया अपनी हेडलैम्प्स के अंदर, आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाई। तो सो फार आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाई विद द अपग्रेडेशन दैट आई हैव मेड दिस कार। ओजूम लगवाया मैंने ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम से, और लो बीम एंड हाई बीम मैंने अपग्रेड किए स्काई कार रमेश नगर, थैंक्स टू नितिन ग्रोवर। तो जी फाइनली अपनी गाड़ी का सेटअप हो गया कंप्लीट, और अब बारी आती है इसका साउंड सुनाने की और बाकी सब चीज़ें आपको रिवील करने की। तो स्टार्ट करते हैं एक बार साउंड से कि कैसा साउंड है, ऑडिसन का एम्प, ऑडिसन के कंपोनेंट, ब्लोपंक की अंडर सीट, सुनाते हैं आपको कि कैसा ये फील आता है साउंड का। तो अभी ये जो सिस्टम है, ये जो प्लेयर है, ये मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है, एप्पल कारप्ले वायरलेस, ये देखिए आपने वायर कोई कनेक्टेड नहीं है। एक्चुअली ये मेरा फ़ोन गिर गया था स्पीति में, तो अब इसका भी आई थिंक बदलने का समय आ गया है। कोई बात नहीं, देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस सॉन्ग। बहुत ही बढ़िया साउंड, बहुत ही मज़ेदार। आई एम फुली सेटिस्फाई विद द
क्वालिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है अभी तक. एंड देन उसके अलावा हमने साउंड सिस्टम के अलावा गाड़ी में और क्या अपग्रेडेशन किए थे हमने, वो हमने ये लगवाई थी एम्बिएंट लाइटिंग. देखिए ये चारों डोर्स में, अभी तो ये दिन का टाइम है तो इतना ये नहीं दिखेगी, बट रात में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये चारों डोर्स में. एंड देन सामने डैशबोर्ड में. एंड देन इसके अलावा हमने लगवाई थी इसमें स्कल प्लेट चारों डोर में, और ये एल्यूमिनेटेड है अभी डुअल टोन में. एक्चुअली ये अभी थोड़ा सा दोपहर का टाइम है इसलिए इतना विजिबल नहीं होगा ये. एंड देन इसके बाद थी अपनी ये रियर कैबिन लाइट, जो कि नेक्सॉन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि रियर एरिया के अंदर एकदम अंधेरा होता है. और इसके अलावा ये मेरी गाड़ी में जो इक्विपमेंट है, ये मेरा एक TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि हाईवे पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब आप लंबे ट्रैक पर निकलते हो, लंबे टूर पर निकलते हो, तो हमें पता नहीं रहता कि टायर प्रेशर कितना इंक्रीज हो रहा है. इससे हेल्प ये मिलती है कि आपको रियल टाइम पे टायर प्रेशर, एयर प्रेशर और टायर्स का टेम्परेचर, ये दोनों बताता है. तो जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है आप उसको प्रेशर को कम कर सकते हैं, या कहीं अगर कोई पंचर होता है तो आपको पता चलता रहता है कि टायर की हवा कम हो रही है, तो ये इंडिकेशन आपको आते रहते हैं. अच्छा, इसका एक फंक्शन और है, ये आपका सोलर पावर्ड है ये, तो इसको यहाँ पे प्लेसमेंट करने का एक पर्पस ये भी था कि जब विंडशील्ड से डायरेक्ट सनलाइट आती है तो ये अपना चार्ज भी साथ होता रहता है. इसको इंस्टॉल किए मुझे अप्रॉक्सीमेट 1.5-2 साल के आसपास हो चुके हैं, और अभी तक मैंने इसको वायर से कनेक्ट नहीं किया है. और ये अपना जो एनर्जी है, जो इसके अंदर जो इनबिल्ट बैटरी है, वो चार्ज होती रहती है आपकी सोलर पावर से. एंड देन इसके बाद एक ये DVR इसके साथ जो इंक्लूडेड था इस पैकेज के साथ, तो ये DVR भी हमने इसमें इंस्टॉल किया है. इसका फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ एक बार. सो बेसिकली ये फ्रंट और रियर दोनों को कैप्चर करता है. इसमें डुअल कैमरा हमने लगाया था. देन ये रियर का, एक्चुअली मेरे बैक साइड में गाड़ी है बिल्कुल चिपकी हुई, तो उसकी वजह से ये विजिबल नहीं हो रहा. तो आप दोनों कैमरा से सेम टाइम पे फ्रंट और रियर का जो वीडियो है वो कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में, स्पेशली दिल्ली में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप इतने टाइट ट्रैफिक में चलते हो बम्पर टू बम्पर. ये तो खैर अपना GoPro का माउंट है, यहाँ पर मैं जनरली अपना GoPro माउंट करके रखता हूँ जब मैं यहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ डैशबोर्ड से. एक ही मेरा पावर हब है जो मैंने यहाँ पर इसको फिक्स किया है, तो इसके अंदर आप लैपटॉप वगैरह जो लो पावर कंजम्पशन वाले हैं वो आप उसको ऑन द गो आप चार्ज कर सकते हो. एंड देन अगर आप देखेंगे साइड में चार यहाँ पे USB स्लॉट है, दो इसमें से पावर USB है और दो नॉर्मल है इन केस ऑफ फास्ट चार्जिंग एंड ऑल. तो ये सब आपका गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, या मेरे ट्रेवल की रिक्वायरमेंट आप बोल सकते हो, कि मुझे अपने इक्विपमेंट चार्ज चाहिए हर समय, क्योंकि इस पर हम चांस नहीं ले सकते हैं. और ये है इसका बोनट स्कूप DRL, और जो इसके फोग लैम्पर है ये भी DRL है. बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आता है जब रात में चलती है, तो बहुत ही अमेजिंग लुक आता है.